जिद है कुछ करने की, जिद इतिहास गढ़ने की, जिद जब असफलता से लड़ने की, फिर ना बात रह जाती डरने की। जिद है कुछ करने की, जिद इतिहास गढ़ने की। जी हाँ, झारखंड एक्सप्रेस में आज एक ऐसे शख्सियत की कहानी जिनके जिद और मेहनत ने कोयलांचल की धरती से देश भर में अब तक हजारों डॉक्टर दिए। ये कहानी है उस शख्सियत की जिनकी मेहनत से हर साल सैकड़ों छात्र मेडिकल परीक्षा उत्तीर्ण करके हिंदुस्तान के टॉप कॉलेजों में नामांकन कराकर देश विदेश में डॉक्टर बनकर मरीजों की सेवा दे रहे हैं। ये कहानी है कोयलांचल से हर वर्ष शानदार रिजल्ट देने वाले गोल संस्थान धनबाद के केंद्र निदेशक संजय आनंद सर की। शुरुआती दौर में यहाँ आए थे तो गोल संस्थान के संस्थापक एंड प्रबंध निदेशक श्री विपिन सर ने 1997 से पटना से शुरुआत की संस्था की, और जब धनबाद में हम यहाँ आए तो 6 फरवरी 2003 को हम लोगों ने यहाँ पर ओपनिंग किया था। और वो स्ट्रगल का दौर ये था कि जनता मार्केट में हमारी ऑफिस थी एंड उस समय कोलफील्ड स्कूल हीरापुर में हुआ करता था जहाँ पर हमारी क्लासेस चलती थी। जिस दिन आप नीट को ब्रेक कर लेते हैं, गवर्नमेंट का एक सीट को रिजर्व कर लेते हैं, यानी कि आप अपने फैमिली के, अपने समाज के, अपने राष्ट्र के आइकॉन तो बन ही गए, लेकिन साथ साथ आपने उसी दिन 70 लाख से 1 करोड़ रुपया कमा लिया। संजय आनंद सर का जन्म बिहार के औरंगाबाद जिले में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा औरंगाबाद से और 10+2 गया से उन्होंने पूरी की, फिर स्नातक की पढ़ाई के लिए पटना चले गए। आनंद सर बताते हैं, वैसे तो डॉक्टर बनने की रुचि उन्हें बचपन से ही थी, इसलिए पटना में मेडिकल प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते रहे। निकले मेरे फादर भूतपूर्व मुखिया रहे और 20 साल मुखिया रहे, वो बड़े ऑनेस्ट मुखिया रहे, उनके एक गरिमा रही। और उसके बाद में उनका ख्वाहिश था कि हम डॉक्टर बने, और हमारे भी सोच था कि हम डॉक्टर बने। उस समय बिहार में मेडिकल डेंटल एडमिशन टेस्ट MDAT के नाम से एग्जाम होती थी मेडिकल की, और उसमें 2 मार्क्स से हम छट गए थे। तो वो 2 मार्क्स से छटने के बाद में हमें लगा कि शायद मेडिकल मेरा ना हो पाए, और उस समय वैसे शिक्षण संस्थान की भी कमी थी। लेकिन उसके बाद जब आगे बढ़े तो आगे बढ़ने के क्रम में हम धनबाद जब आ रहे थे तो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर थे विपिन सर ने कहा कि आप वहाँ अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने जा ही रहे हैं तो गोल का साथ ले लीजिए, गोल का टेसरी भी आपके साथ रहेगा तो आपको सपोर्ट मिले। वहाँ से हमने जर्नी शुरू किया, और जब यहाँ आए तो बस आप खुशी होती है, और मेरे फादर भी अभी हैं तो भी बड़े गर्व के साथ गौरवान्वित होते हैं और ये बात को बताते हैं कि चलो तुम भले ही मेडिकल नहीं निकाल सका, लेकिन तुम कितने बच्चे को, आज तुम्हारे संस्थान से कितने बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, ये गर्व का विषय है कि हम डॉक्टर भले ही नहीं बन सके बट समाज को गोल ने 16,000+ डॉक्टर्स को दिया। यानी साधारण घर के बच्चे भी आकर के, किसी बोर्ड के बच्चे भी आकर के, कमजोर घर के बच्चे भी आकर के, मैं ये कह सकता हूँ कि नाइक का बच्चा यहाँ से डॉक्टर बनता है, अचार बेचने वाले की बच्ची यहाँ से डॉक्टर बनती है, यहाँ पर सैलून चलाने वाले के साथ साथ मैं बताऊँ कि लेबर कैटेगरी के बच्चे जो कोरोना पीरियड में उनकी वो भी काम छिना गई, तो वैसे बच्चे अमन कुमार
कलकत्ता में उनका एडमिशन कॉलेज में होता है। लखेश्वर जैसे बच्चे ऐसे हैं जिनके फादर ईट भट्टा पर मजदूरी करते थे, उनका बच्चा धनबाद पीएमसीएच में है। संजोग भी रहा कि 8 बच्चों से शुरुआत हुई थी 2003 से हमारी जर्नी, और 8 बच्चे में 2 बच्चे इंजीनियरिंग में गए और 2 बच्चे का सिलेक्शन हमारे यहाँ मेडिकल में हुआ। वो 4 बच्चे जो बच गए वो नेक्स्ट ईयर की वो चारों बच्चा फिर मेडिकल में चले गए, लेकिन वो कोई साधारण चीज़ें नहीं थी क्योंकि उस समय हमारे पास 2 व्हीलर भी नहीं था। पाथरडी में हम रहते थे, हमारे फादर इला थे उस समय रेलवे में थे वो, तो पाथरडी से एवरी डे ट्रेन से आना एंड देन यहाँ पे फिर बैक टू रिटर्न जाना, और ये जाने के बाद में टीचर जब पटना से आते थे आप तो गंगा दामोदर से आते थे, 11:10 में रात में गंगा दामोदर होती थी तो उनको छोड़ना भी मेरा काम था, और साथ में 5:20 में गंगा दामोदर पहुँचती थी धनबाद में तो उनको रिसीव भी करना मेरा काम था, तो टीचर को लाना देन उनको रखना, उनको कोई दिक्कत ना हो। बच्चे कम थे, स्वाभाविक है कि पैसे कम थे, तो कम संसाधन में एक अच्छी क्वालिटी हमने शुरुआत से ही तय कर लिया था कि किसी भी हाल में बच्चे के करियर के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते, इनके जो हम कमिटमेंट कर रहे हैं उस कमिटमेंट पे हम जरूर खड़े उतरने का प्रयास करेंगे। उस वक्त धनबाद के विषय में शिक्षा के क्षेत्र में कहा जाता था कि पढ़ाई का माहौल नहीं है, ये माफियाओं और कोयला खदानों की धरती है। स्कूल शिक्षण संस्थान तो कई थे लेकिन मेडिकल प्रतियोगी परीक्षा तैयारी कराने की बात आती तब छात्र अच्छे संस्थान की तलाश में बाहर पलायन कर जाते थे। वाकई आनंद सर और गोल संस्थान के लिए एक चुनौती भरा समय था। फिर जहाँ चाह वहाँ रहा की कहावत को चरितार्थ करते हुए आनंद सर अपनी कड़ी मेहनत से संस्थान के छात्रों को निरंतर क्लासेस देने लगे। रोजाना पाथरडी से ट्रेन पकड़कर कोचिंग जाते और फिर रात में घर आते। कई अनुभवी शिक्षकों को पटना से भी नियुक्त किए क्योंकि आनंद सर का मानना था कि बच्चों के भविष्य के साथ कोई समझौता करना उचित नहीं। फिर देखते ही देखते इंस्टीट्यूट के छात्र का साल दर साल बेहतर रिजल्ट होता गया और संस्थान निखरते चला गया। हमारा कंडीशन भी घर का उतना अच्छा नहीं था इनिशियली, पापा भी उस समय सैक्रिफाइसेस का उनका भी दौर चल रहा था, कंडीशन उतना अच्छा घर का नहीं था जितना हम जिस जगह से हम सोच सकें कि हम मेडिकल स्ट्रीम सिलेक्ट कर सकते हैं ऐसा नहीं था। इनिशियली जब हम स्टार्ट किए थे तो वैसे ही हम लोग रहते थे वहाँ पे, मैं जब स्कूल जाता था तो लगभग 7-8 किलोमीटर दूर था, तो पहले 2-3 किलोमीटर पैदल चलना होता था, फिर 4 रेलवे लाइन्स को क्रॉस करके फिर आप कुछ देर और जाते थे, उसके बाद फिर वहाँ से ऑटो पकड़ कर फिर स्कूल फाइनली में पहुँचते थे। वो बेटे बड़े बेटे ने कहा कि पापा हमें मुझे यूपीएससी तैयारी करना है, तो हमने कहा बेटा कोई बात नहीं आप यूपीएससी करो, और दूसरा बच्चा कहा कि पापा मुझे मेडिकल तैयारी करना है। हमने उन्हें कोई जोर नहीं दिया, कोई दबाव नहीं दिया कि गोल इंस्टीट्यूशन मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करवाती है, हमारी अपनी लोगों की संस्था है कि तुम यहीं से तैयारी कर लो, तुम डॉक्टर या इंजीनियर ही बनो, उन पर कोई दबाव नहीं था। लेकिन इनका इंटरेस्ट हुआ कि नहीं हमें मेडिकल करना है। आज गर्व के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि उसने भी एक अच्छे मार्क्स के साथ गवर्नमेंट कॉलेज में जाने की तैयारी है और उनका भी इस बार रिजल्ट हुआ है। कई बार कुछ गार्जियंस का क्वेश्चन हमारे पास आया था, एक गार्जियन ने ये क्वेश्चन किए हमसे कि सर आपके बच्चे अगर मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो वो कहाँ से तैयारी कर रहे हैं। हमने कहा कि सर ये इंडिया का एजुकेशन सर्वर बताता है कि कोटा जैसे जगह पे भी less than 2% रिजल्ट होते हैं, हमारे यहाँ धनबाद में तो 20% प्लस रिजल्ट सदैव हो रहे हैं, तो आप ये बताएं कि अपने बच्चे को हम 2% में भेजें या 20% में रहकर के पढ़ाई कर रहे हैं। आज आनंद सर खुद में इस बात का गर्व महसूस करते हैं कि भले ही वो डॉक्टर बनने का सपना साकार नहीं कर पाए लेकिन उनकी कड़ी मेहनत और जिद ने अब तक देश को हजारों डॉक्टर दिए। कई छात्र विदेशों में भी कार्यरत हैं। कहा जाता है कि एक पिता का अधूरा सपना जब उसका संतान पूरा करता है तो बाप की खुशियां कई गुना बढ़ जाती है। डॉक्टर बनने का जो सपना कभी आनंद सर ने देखा था आज उनके मार्गदर्शन में उनके छोटे बेटे सौरभ सागर ने अच्छे अंकों के साथ मेडिकल परीक्षा उत्तीर्ण की। वाकई एक पिता के लिए ये सबसे गर्व के पलों में से एक है। हम लोग कहते हैं कि सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन असफलता का डर। मेरे बच्चे का रिजल्ट हुआ ये खुशी का विषय था, बट हमारे इंस्टीट्यूट के
जो बच्चे डिजर्व कर रहे थे, जो लेवल पर अचीव कर गए थे, उनका भी रिजल्ट हुआ, ये हमारे लिए और ज़्यादा खुशी की बात था कि हमारे बच्चों ने इस ट्रेडिशन को जिंदा रखा है जो आज ग्रुप का 25 साल का इतिहास है, दरबार में 25 साल का हिस्ट्री है। रूप से जो व्यक्ति आगे बढ़ता है जीवन में सफल वही होता है और सफलता का हर रहस्य वही जानता है। तो हमने अपने बेटे को भी यही काम किया कि हम अपने घर में इनको नो एंट्री का बोर्ड लगा दिए। हमने सीधा इनको बता दिया कि आपको मेरे घर में एंट्री नहीं है, आप जाइए। जैसे सारे बच्चे जा रहे हैं लाइन लगा के खाना खा रहे हैं, लाइन लगा कर आप भी रहिए, पसीना वो बहा रहे हैं पसीना आप ही बहाइए, जो भोजन उनको मिल रहा है वही भोजन आपको भी मिलेगा, जो सारी व्यवस्थाएं जो उनकी है वो आपके लिए भी है। और चूहा तो था और हमसे ज़्यादा तो इनकी मम्मी का था कि हॉस्टल में जो खाना मिलेगा वो हॉस्टल का खाना मिलेगा, जहाँ पे 100-150 बच्चे का भोजन बन रहा है तो स्वाभाविक के पास आप घर वाला भोजन तो मिलेगा नहीं। तो ये चूहन थी, घर में इनके पास सारी फैसिलिटी थी, ये घर में रह करके एसी में रह करके पढ़ाई कर सकते थे, इनके सारी व्यवस्थाएं थी। लेकिन इतनी इस बार गर्मी आई, सारी व्यवस्थाएं कुछ नहीं हुई, लेकिन हमने इनको सीधा कहा और हमने क्या कहा, इन्होंने भी इस बात को चैलेंज के रूप में लिया। हम ये समझते हैं कि जो बच्चा अपने सक्सेस को, अपने गोल को लक्ष्य से, प्रतिष्ठा से जोड़ लेता है अपने गोल को, वो बच्चे बेस्ट कर जाते हैं। मेरे लिए मेरे फादर सुपर हीरो किससे कम नहीं है, क्योंकि जहाँ से उन्होंने अपना जर्नी स्टार्ट किया था, मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं इस कंडीशंस में कभी अपना लाइफ जी पाऊंगा, क्योंकि जो सैक्रिफाइसेस उन्होंने किए हैं, मैं नहीं बोलूँगा कि मैं उस कंडीशन में रहा था, लेकिन मैं उतना मैच्योर नहीं था कि मैं इनिशियली समझ सकूँ कि मैं इतना गंदा कंडीशन में रह रहा हूँ। लेकिन वहाँ से इन्होंने अपना जर्नी स्टार्ट करके हम लोगों को एक अच्छा कंडीशन पर पहुँचाया है, तो इनसे बढ़िया मेरे लिए मोटिवेटर, मेरे लिए मेंटर, एज अ फ्रेंड, एज अ फादर कोई हो ही नहीं सकता है। ये तकदीर आपके हाथों की लकीरों में नहीं होती है, सच है कि ये तकदीर आपके माथे के पसीने में होती है, ये गोल के डीएनए में है, ये गोल के सोच में शामिल है कि अगर वो संस्थान को कोई बच्चा ने कुछ भी पैसा हमारे पास दिया है तो वो उसका हम पर कर्ज है, उसको हम बखूबी पूरी इंटरेस्ट के साथ वापस करने का प्रयास करते हैं, जो कमिटमेंट होती है उस पर खड़े होने का प्रयास करते हैं, और उस खड़े उतरने का ही नतीजा है कि आज 20 साल के सफर में इस कोयलांचल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो रिजल्ट ले रहे हैं वो सबसे ज्यादा यहाँ पे ले रहे हैं। झारखंड एक्सप्रेस की तरफ से गोल इंस्टीट्यूट और आनंद सर को आने वाले भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं, और हम भी चाहेंगे कि हमारे झारखंड से और भी बहुत सारे डॉक्टर्स गोल इंस्टीट्यूट के माध्यम से पूरे देश विदेश में अपना परचम लहराते रहें।